नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल MGO डिजिटल इंडिया में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RNA 5 की तरफ से हाल ही में जो लगभग 3 से 4 अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों, उनके बारे में। और फ्रेंड्स, हो सकता है इसमें से एक आधी अपडेट आपको पोर्टल पर लाइव हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3 से 4 अपडेट ऐसे हैं जो पोर्टल पर लाइव नहीं हुए हैं और आने वाले 2 दिन में, यानी कि दोस्तों माना जाए तो 1 जून 2020 से लगभग 90 से 95% दोस्तों यहाँ पोर्टल पर लाइव हो जाएंगे। और दोस्तों इन्हीं कंडीशन के साथ अब आपको RNA 5 में वर्क करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या न्यू अपडेट आया है और क्या क्या न्यू अपडेट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर बिना आपका वक्त गवाए, बिना आपका समय खराब किए। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोर्टल पर लाइव हुआ उस अपडेट के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पेटीएम वॉलेट लोड अपडेट दोस्तों यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन लोड योर पेटीएम KYC वॉलेट यूजिंग RNA 5 पोर्टल। यानी कि दोस्तों आप किसी भी पेटीएम वॉलेट में RNA 5 से लोड दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास कोई पेटीएम उपयोगकर्ता या पेटीएम कस्टमर आता है और दोस्तों कहता है कि मुझे मेरे पेटीएम में वॉलेट में लोड चाहिए, तो दोस्तों वहाँ से आप RNA 5 से दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अभी हाल ही में 3 से 4 अपडेट आने वाले हैं और उस पर पोर्टल पे किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा अपडेट दोस्तों RNA 5 में आपको देखने को मिलेगा लोन को लेकर। हाँ दोस्तों, अगर आप भी RNA 5 के रिटेलर हैं या आप भी RNA 5 के डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर हैं, तो दोस्तों अब आप RNA 5 रेलीपे की तरफ से कस्टमर को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ इमेज RNA 5 की तरफ से आया है दोस्तों, और यहाँ सारा चीज़ें दोस्तों 1 जून 2020 से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सा ID क्रिएशन में देखा जा रहा है कि पहले ये प्रॉब्लम आता था कि किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, फिर दोस्तों कंपनी ने कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया, दोस्तों Video KYC लाया। Video KYC में भी दोस्तों बहुत सा ID रिजेक्ट हो रहा है उसमें, हालांकि कारण जो है कस्टमर का ही है, जो रिटेलर बनता है उसी का ही है, वो प्रॉपर सारी चीज़ें बोल नहीं पाता और प्रोफेशनल तरीके से नहीं आता है दोस्तों। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग बनियान में ही वीडियो बना रहे, तो दोस्तों जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो वीडियो भी प्रोफेशनल बनना चाहिए। इस कारण दोस्तों वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है, बैकग्राउंड आपका चाव जैसा है। मान लीजिए नदी पर घूमने गए तो वहीं पर आपने Video KYC अपलोड कर दिया, किसी जगह खाना खाने गए वहीं पर Video KYC अपलोड कर दिया, तो दोस्तों ऐसा वीडियो कंपनी अप्रूव नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा देखने में आया कि पहले जो प्रॉब्लम आता था आईडी क्रिएशन में कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम आने लगा कि Video KYC में वीडियो रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हुए RNA 5 में जो अभी न्यू अपडेट लाने वाला दोस्तों वो है Self KYC। जी हाँ दोस्तों, Self KYC यानी कि दोस्तों रिटेलर अपना फिंगरप्रिंट लगा के यहाँ पे अपना KYC कर सकता है। इसके लिए जैसा पेनियर बाय में होता है, ऐसा नहीं होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी वहाँ पर जाना पड़ेगा, सिर्फ रिटेलर अपने पोर्टल पे जाएगा, अपना मोबाइल नंबर डालेगा जैसा कि दोस्तों अभी तक आप करते आए हैं, और जहाँ पर Video KYC या आधार ऑथेंटिकेशन OTP से होता था वहाँ पर दोस्तों आप फिंगरप्रिंट से होगा, यानी कि कस्टमर सेल्फ फिंगरप्रिंट या अपना फिंगरप्रिंट लगा के वहाँ पर KYC कर सकता है। और दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, जिसको मैं चौथा अपडेट कहूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने RNA 5 पोर्टल में कुछ बैंकों का ऐसा ट्रांजेक्शन देखा होगा कि दिन में अगर आप एक बार ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उसका दूसरी बार आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या ऐसा भी देखने में आया है कि अगर आपने आज ट्रांजेक्शन कर लिया उस बैंक का, जैसा कि बेसिकली देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकतर यहाँ देखने को मिला है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का आज ट्रांजेक्शन कर लिया तो उसका आप कल भी नहीं कर पा रहे, परसों भी नहीं कर पा रहा है, ये दोस्तों ICICI बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है। यानी कि दोस्तों जो भी पोर्टल ICICI बैंक के सर्वर से काम करता है उन सभी पोर्टल पर दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए RNA 5 अब जो है ICICI के साथ RBL बैंक के सर्वर के साथ भी वर्क करेगा, जैसा कि दोस्तों आपको स्पाइस मनी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी कुछ बैंक है ऐसी है जिनका ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 4 न्यू अपडेट है जो मैंने दोस्तों आपको बताया। पहला पेटीएम वॉलेट लोड, दूसरा दोस्तों आप कस्टमर को अपने ही रिटेलर पोर्टल या अपने ही रिटेलर पॉइंट से आप लोन प्रोवाइड करा सकते हैं,
तीसरा दोस्तों जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को रिटेलर बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था, या रिटेलर को खुद का केवाईसी या मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसका दोस्तों सेल्फ केवाईसी कंपनी ने ऑप्शन दे दिया है, जिससे के कारण दोस्तों आपका आईडी बहुत ही जल्दी अप्रूव होगा। चौथा अगर अपडेट देखा जाए तो दोस्तों जो जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी कुछ बैंक ऐसी है जिनका आईसीआईसीआई के सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम होता था, इस कारण दोस्तों सेकंड बार जब आप ट्रांजेक्शन करते थे भले ही वो दिन दिन में दूसरी बार करें या महीने में दूसरी बार करें तो दोस्तों ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता था। ऐसा मेरे जो गुजरात के रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी तरफ से बहुत ये इशू आया था, तो दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कंपनी ने यहाँ पर निकाल दिया। दोस्तों आईसीआईसीआई के साथ अब आरबीएल के साथ भी वर्क करेगा। इसी के बाद दोस्तों अगर आप RNA5 का रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड पार्टनर आईडी लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप पार्टनर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, बहुत ही कम रेट में दोस्तों यहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पे नियर बाय में फिक्स रहता है रेट कि 650 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को और 1000 रुपये रिटेलर को लगता है। और दोस्तों सबसे बड़ा बिग अपडेट जो है RNA5 की तरफ से वो यही है कि 1 जून 2020 से आईडीओ का रेट फिक्स हो रहा है। लगभग बताया नहीं है कंपनी ने क्या फिक्स होगा, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो 350 से लेके 500 रुपये के बीच या 500 से लेके 700 रुपये के बीच दोस्तों RNA5 का रिटेलर रेट फिक्स हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर रेट भी फिक्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कहा जाए तो आईडी का यहाँ पर रेट फिक्स हो रहा है, जो कि दोस्तों अभी तक आपको मार्केट में जैसा कि दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कुछ कचरा RNA5 ने ख़त्म कर दिया, जो कि फ्री डिस्ट्रीब्यूटर, फ्री पार्टनर, फ्री सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी चल रहा था वो दोस्तों RNA5 ने कचरा ख़त्म कर दिया। और आने वाले समय में दोस्तों बाकी का कचरा भी ख़त्म हो जाएगा जो कि यूट्यूब पर चल रहा है, अभी रिटेलर को लेके भी कचरा बाकी है वो भी दोस्तों RNA5 ख़त्म कर देगा, यानी कि जैसे ही आप रिटेलर रजिस्टर्ड करते वैसे ही आपका एक APS कट जाएगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम था रेट को लेकर बहुत ही इशू था, कोई डिस्ट्रीब्यूटर वर्क नहीं कर पा रहा था पार्टनर की वजह से, कोई पार्टनर वर्क नहीं कर पा रहा था डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से, क्योंकि जो वो आपको पार्टनर रेट में दे रहा है वही डिस्ट्रीब्यूटर रेट में दे रहा है, वही रिटेलर रेट में दे रहा है, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर वर्क नहीं कर पा रहा था, मतलब कि देखा जाए तो ऑल ओवर डाउनलाइन वाला जो भी व्यक्ति वो वर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए कंपनी ने यहाँ फिक्स कर लिया है कि अब यहाँ पर रेट फिक्स रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको RNA5 का पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर लेना है तो दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अभी हम आपको कम में आईडी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जैसा कि दोस्तों अपडेट सुनने में आया है कि 1 जून 2020 से फिक्स रहेगा कंपनी का रेट के इतना आपका कटेगा, मतलब इतना आपका पैसा कटेगा, उसी से आप आईडी खरीद सकते हैं और उसी चार्ज को आपको देना रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप पेनियर बाय में देख सकते हैं कि 1000 आपको रिटेलर को देना है, मतलब देना है अगर खुद से पेमेंट करते हैं तो 1040 देना रहता है, जिसमें 1000 डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है, 40 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। तो दोस्तों यही था RNA5 की तरफ से चार अपडेट जो दोस्तों मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।